किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखाया और इस बार भी दिख सकता है। 6,000 की जगह 8,000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2,000 की 4 किस्तों में। और अभी कहानी है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका। अगर आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त 7 मई 2023 दिन रविवार को लेना चाहते हो तो आप लोगों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाइव आप देख सकते हो कि किसानों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं और कुछ किसानों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त आ भी गई है। अगर आप 14वीं किस्त लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं आप लोगों तक हमेशा सही जानकारी लेकर के आ पाता हूं। अगर आपको यह जानकारी सही लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 14वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन बात यहां पर आती है कि कुछ ऐसे किसान लाभार्थी अन्नदाता हमारे रह गए जिनके खाते पर अभी तक 13वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। उनका मेरे पास कमेंट आता है कि भाई मेरे खाते पर 13वीं किस्त क्यों नहीं आई, तो मैं आपको बता दूं कि 13वीं किस्त 14वीं किस्त आपके खाते पर ट्रांसफर की जाएगी। तो हो सकता है 13वीं और 14वीं एक साथ ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। आपने अगर EKYC नहीं करवाई तो EKYC जरूर करवा लें, भूलेख का सत्यापन करवा लें, अपना कागजी काम कंप्लीट करा कर रखें ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पैसा ट्रांसफर करें, आप लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाए। वैसे ही बहुत जल्द पैसा ट्रांसफर